मेरे पास कोई हथियार नहीं है, उनकी जान को खतरा नहीं है, तो मुझे मिलने को भी क्यों रोका जा रहा है? सिर्फ दिग्विजय सिंह की वजह से भगे हैं, उनके वजह से हम आए हैं, और हम दिग्विजय सिंह से नहीं मिलना चाहते, बिल्कुल नहीं मिलना चाहते। बीजेपी का यहाँ पे सुदर्शन गुप्ता एक्स एमएलए बीजेपी का, अरे भाई बीजेपी के वालों ने हमारे कांग्रेस के एमएलए को क्यों पकड़ रखा है? सरकार हमारी कांग्रेस की है, जनता ने हमको चुना है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी उनको पकड़ के क्यों ले आई? सर उनको कुछ पैसा की सर दे के लेके आया उनको ऐसा भाई उनसे मिलने से पता तो लगे हमारे एमएलए को ये फोन कर रहे, हमारे तो वीडियो क्लिप्स है, ठीक है, ऑडियो क्लिप्स है, 5 करोड़ ले लो, 25 करोड़ ले लो, 30 करोड़ ले लो, इसकी वीडियो क्लिप से एमएलए ने बयान दिया है। ओ, उनको ऑलरेडी पैसा देता करके ऑफर किया है लोगों ने, हमारे अनेक एमएलए जिन्होंने पब्लिक में कहा है, ठीक है, मनोज चावला ने बोला, नीरज दीक्षित ने बोला है, इट्स ऑन रिकॉर्ड, ठीक है ठीक है। अभी क्यों नहीं छोड़ रहे सर आपको, आप रिक्वेस्ट नहीं किया, उनको लेटर नहीं दिया आपने इनको पुलिस लोगों को? अरे लेटर अभी लिख देता हूँ, ठीक है भाई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैं अकेला आदमी हूँ, ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, अकेला ले जाएं, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, उनकी जान को खतरा नहीं है, तो मुझे मिलने को भी क्यों रोका जा रहा है? मैं इमरती देवी डबरा विधानसभा से विधायक हूँ, ग्वालियर जिले से, मैं कांग्रेस पार्टी में महिला बाल विकास मंत्री रही, लेकिन मुझे अभी अभी पता चला है कि बेंगलोर में दिग्विजय सिंह अपने साथियों को लेके आए हैं हमको, हमसे मिलने को, लेकिन हम मध्य प्रदेश में सिर्फ दिग्विजय सिंह की वजह से भगे हैं, उनके वजह से हम आए हैं कि उनने हमारी पूरी कांग्रेस बर्बाद कर दी, लेकिन अब हम ऐसी कांग्रेस में नहीं रहना चाहते हैं जिसमें दिग्विजय सिंह है। और मैं बेंगलोर की पुलिस से निवेदन करती हूं कि हमारी सुरक्षा करें, और हम दिग्विजय सिंह से नहीं मिलना चाहते, बिल्कुल नहीं मिलना चाहते।